हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट्स बाय अ हैप्पी सोल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये किचन के लिए वॉल डेकोर। मैंने ये किचन की वॉल पे डेकोर करने के लिए बनाया है। मैं अपनी किचन की वॉल पे भी आपको इसको डेकोर करके बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरी किचन की वॉल पे दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डेकोर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड शेप का वुडन पीस लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ये डेकोपाच पेपर लिया है। इसका प्राइस 75 है और इसके अंदर 4 शीट्स होती हैं, एक जैसी 2 शीट्स होती हैं इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पर डेको मैजिक ग्लू यूज़ करूँगी इसको स्टिक करने के लिए। फैन ब्रश यूज़ करूँगी इस ग्लू को स्प्रेड करने के लिए। मैं प्लांक पे धीरे धीरे से इस तरह से ग्लू को स्प्रेड कर लूँगी। फैन ब्रश से स्प्रेड करने से ये बहुत कम क्वांटिटी में और अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है। मैंने यहाँ पर किचन से रिलेटेड वाला डेकोपाच पेपर सेलेक्ट किया है। ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं इस पर ये डेकोपाच पेपर को इस तरह से धीरे धीरे से स्टिक कर दूंगी। मैं बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली इसको प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पार्ट में ग्लू को लगाया है, एक साथ एक बार में नहीं लगाया है। ऐसा करने से इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। मैं स्पॉन्ज डॉबर की हेल्प से इस तरह से पेपर को प्रेस कर दूंगी। ऐसा करने से अगर इसमें कोई रिंकल या बबल्स आए होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। पेपर के कम्प्लीटली स्टिक हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर डेकोपाज ग्लू फिर से लगाऊंगी। इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वाटरप्रूफ हो जाता है और इसको सील कर देता है। इसके बाद मैं एक फाइलर की हेल्प से जो हमारा एक्सेस पेपर है उसको इस तरह से रब करते हुए निकाल लूँगी। मैं इसको अच्छे से फाइल करूँगी तो इस तरह जब पेपर निकालूँगी तो ये थोड़ा सा रफ लुक देगा और नेचुरल लुक लगेगा। अब हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर चॉक पेंट अप्लाई करूँगी। ये इट्सी बिट्सी का चॉक पेंट है। यहाँ पर मैंने पैशनेट प्लम कलर यूज़ किया है। इसकी एजेस पे मैं इस तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको डिस्ट्रेस लुक देने के लिए कुछ इस तरह से कलर को अंदर की तरफ स्प्रेड कर लूँगी। मैं इसमें बहुत ही हल्के हल्के से स्ट्रोक्स दूंगी तो ये इस तरह का दिखने लगेगा। इसके बाद हम गिल्डिंग वर्क करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने गिल्डिंग पेस्ट और गिल्डिंग फ्लेक्स लिया है। ये गोल्डन कलर का गिल्डिंग फ्लेक्स है। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ये पैलेट नाइफ लिया है। इसकी हेल्प से हम पेस्ट को अपने डेकोर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये पेस्ट थोड़ा थिक होता है तो इसको ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। गिल्डिंग फ्लेक्स या गिल्डिंग शीट को हमेशा तभी अप्लाई करना चाहिए जब हमारा गिल्डिंग पेस्ट या गिल्डिंग ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाए, अदरवाइज ये अच्छे से स्टिक नहीं करेगा। मैं डेकोर के कई पोर्शन पे इसी तरह से गिल्डिंग पेस्ट को अप्लाई कर लूँगी और इसके ड्राई हो जाने के बाद ही गिल्डिंग फ्लेक्स को इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। मैं जब गिल्डिंग फ्लेक्स लगाऊंगी तो ध्यान रखूंगी कि ये अच्छे से मेरे पेस्ट पे स्टिक हो जाए। गिल्डिंग फ्लेक्स या गिल्डिंग शीट जो होती हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं, तो उनको ठीक से पकड़ के हमारी गिल्डिंग ग्लू या गिल्डिंग पेस्ट पे हमें अप्लाई करना चाहिए। और जब तक कि हमारा गिल्डिंग पेस्ट ड्राई नहीं हो जाता है कम्प्लीटली, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको
इस तरह से धीरे धीरे रब करते हुए एक्स्ट्रा वर्क जो हमारा गिल्डिंग फ्लेक्स है उसको रिमूव कर देंगे। हम बाकी पोर्शन पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मोस्टली प्रोडक्ट मैंने इट्सी बिट्सी की वेबसाइट से लिए हैं। अगर आप भी वहाँ से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड विजया5 यूज़ करिएगा। उससे आपको एडिशनली 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी परचेज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, इससे आपको जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी हमारा नीचे गिरा हुआ गिल्डिंग फ्लेक्स है उसको मैं कंटेनर में फिल कर दूंगी और इसके ऊपर वार्निश यूज़ करूंगी। ये ग्लॉसी फिनिश में है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट सील हो जाएगा और इसकी लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगी। आगे डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरह के हाफ पर्ल्स का यूज़ करूंगी। ये हाफ पर्ल्स स्टिकर हैं, इनको मैं अपने डेकोर के साइड में कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी। इसमें ऑलरेडी गम लगा हुआ होता है तो इसके हम डायरेक्टली इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गोल्डन कलर के पोस्का मार्कर से फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनको इस तरह से हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के 3D आउटलाइनर से फ्लावर्स के बीच में इस तरह से डॉट्स बना दूंगी। इससे मेरे फ्लावर थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। आई होप यू कैन सी, ये देखिए, ये इस तरह से थोड़े से डायमेंशंस दे देंगे हमारे फ्लावर्स को। और हमारा प्रोजेक्ट अभी रेडी हो गया है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है crafts_by_happysoul। थैंक यू फॉर वॉचिंग।